अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ना दाल चावल बना रही हूँ, चने की दाल और चावल साथ बना रही हूँ। मैं ना जीरे वाले चावल बनाने लगी हूँ साथ, दाल के साथ जो है ना, तो ये मज़े के लगते हैं। इतनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। दाल में चिकन भी डाला लेकिन मैंने नहीं लिया, ऐसे सही है, मज़े की लगती है। जितना मर्जी गोश्त ये वो खा लो, जो दाल चावल का मज़ा है ना वो किसी की में नहीं है। मैं ना बनाने लगी हूँ खीर, तो दूध को मैंने रखा हुआ है गर्म करने के लिए, तो मैं जो है ना इसमें मैंने चार इलायची डाल दी है, तो इसको ज़रा ना ये गर्म हो ले फिर इसमें चावल डालूँगी। ये देख, मैंने ना खाने के 3 चम्मच चावल लेके उनको भिगो दिया था, तो उसको इनको मैंने ना ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके जो मैंने ना पीस लिया है इनको चावलों को, ये मैं इसमें डाल दूँगी साग, ये पकेंगे। एक तरफ जो है ना मैं डबल रोटी है ना जो, तो उसको फ्राई कर लूँगी। दो पीस मैंने लिए हैं डबल रोटी के, इनको मैं ना फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करके इनका चूरा बना के ना वो भी मैं ये दूध में डालूंगी। बड़े मज़े की ये खीर बनती है, बहुत मज़े की बनती है ये। दूध को मैंने ना चावल डाल के बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे ना इसको रख दिया है मैंने, ये साग जो है ना पकता रहेगा, और साग जो है ना मैं डबल रोटी जो है ना वो फ्राई कर लूँगी, तो ये साग जो है ना ये पकेगी। इनको ऐसे जो है ना मैंने फ्राई कर लेना, फ्राई करके इसका चूरा बना लूंगी। ये देखिए ये ब्राउन हो गया, इसको मैं निकाल लूंगी, जो ब्राउन होती जाएगी ना उसको मैं निकाल लूंगी। इनको भी रहने दो, अभी नहीं हुई है, ये भी हो गई है, जो हो जाएगी उनको मैं निकाल लूंगी। अच्छा ये फ्राई कर लिया ना, अब इनका ना चूरा बनाना है।
इनके पीस करके छोटे छोटे जो है ना, फिर मैं ना दूध में डाल दूंगी इनको। अभी गर्म है, बहुत गर्म है। इनके पीस छोटे छोटे पीस करके ना दूध में डालूंगी मैं। ये सारे पीस जो है ना, मैंने डबल रोटी के छोटे छोटे पीस किए हैं, तो इनको मैंने ना दूध में डाल दिए। अब ये भी पकेंगे, बाद में इसमें चीनी डालूंगी और बाद में दूसरी चीज़ें। अच्छा, इनको ना ये मैशर के साथ जो है ना, इनको मैश कर लेना। ऐसे मैं मैश करती जाऊंगी, ये मैश हो जाएगा। जैसे जैसे इसको उबाला आएगा तो ये मैश होता जाएगा। फिर इसमें जो है चीनी मैं डालूंगी साथ। ये देखें, इसको मैं मैश कर लूंगी ऐसे ही। ये देखें, अभी भी पक रही है, मैश हो गया इसका सारा जो है ना, ब्रेड जो है इसकी सारी मैश हो गई है। अब इसको पकने दूंगी। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, चीनी डालनी है अभी, खोया डालूंगी फिर इसको पकने दूंगी। ये जो है ना, मैं इसमें चीनी डालूंगी, बाद में देखूंगी इसकी, क्योंकि मीठा मैं हमने ज़्यादा नहीं, मैंने नहीं डालना, इसलिए चेक कर लूंगी मैं इसको, इसका मीठा कितना है, या फिर डालनी हुई तो बाद में डाल दूंगी और। अच्छा, ये जो है ना, इसमें मैं खोया डालने लगी हूँ। खोया डाल के इसको मैं अब थोड़ा सा मैश करती हूँ ना। देखिए, बड़े मजे की खीर बनती है ये वाली। थोड़े से इसमें मैं ये कटे हुए बादाम डालूंगी, बाकी जो है ना ऊपर से डालूंगी इसके ऊपर। ये देखें, ये ना तैयार हो गई है, इसकी ना छींटे निकलना शुरू हो गई है, बन गई है। ये देखें, इतनी सी खीर में 2-2.5 घंटे मुझे लगे, तो ये हो गई है। इसको मैं बॉल में निकालती हूँ अब। ये देखें, हो गई है। मज़े की बनती है ना ये खीर, बहुत मज़े की है। आप ट्राई करें इसको, ज़रूर ट्राई करें इसको। बस मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ, इसको बॉल में निकालती हूँ और फिर जो है ना इसके ऊपर बादाम वगैरह डालती हूँ। ये देखें, इतने मज़े की ये खीर बनी है, बहुत मज़े की है। तो इसको ट्राई करें आप। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।